अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल आज़ादारी टीवी उगाड़ा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नहीं आंखों का वजू हम इसलिए करते रहते हैं सरकारे मोहम्मद महदी के दीदार के काबिल हो जाए। सोगबराने इमाम अब आपके सामने शायर आले इमरान जनाब शब्बाज हैदर नकवी साहब आप मुजफ्फरगढ़ अपने मखसूस शायराना अंदाज में जिक्र फजाइल मसाया मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। इनके फौरी बाद नफीसु जाकरीन जनाब जाकिर अहले बैत नवीद आशिक बीए साहब और नवीद आशिक बीए के फौरी बाद अलामा रियाज हुसैन रिजवी साहब का खिताब होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, बाबा दे बुलंद सलावत। इस्लाम का सुरमाया तासीन है ज़ैनब, इस्लाम का सुरमाया तासीन है। पानी पानी को रवानी, जवानी को कामरानी और कामरानी को कहानी अता करता है। वो इतना अजीम सन्ना है साने है कि उसकी निद्दतों मनकबत के मावराई हसार तक साहिबाने तकल्लुम की रसाई मुमकिन नहीं। और जिसने लफ्ज़ कुन के आईने में बगैर किसी वजीर या मुशीर के मशवरे के बहुत कम से कम मुद्दत में एक जैसी शक्ल के, एक जैसी अक्ल के, एक जैसी हैसियत के, एक जैसी नीयत के और एक जैसी शरीयत के 14 मोहम्मद तख्लीक फरमाए। दरूद व सलाम वक्फ है मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के लिए। पैगाम अमन व सलामती है मेरी कौम के नौजवानों के लिए, शम्मा आले रिसालत के परवानों के लिए, मौला अली के दीवानों के लिए। तकलीफ ना समझें तो मिलजुल के सलवात बुलंद आवाज से पढ़ें। हम में से हर इंसान मकरूज है ऐसा नाते मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का, जिस जिस किलोह ज़मीर पर या दीदा दिल पर आले मोहम्मद के एहसानात का कोई ना कोई नक्श बाकी है वो सलवात कर समझ के नहीं फर्ज समझ कर बुलंद आवाज से अदा करें। फरमाने इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम है कि बख़ील है वो शख्स जो हमारी ज़ात पर बुलंद आवाज से सलवात नहीं पढ़ता। सलवात बुलंद आवाज से पढ़ता है। शहबाज शफी दुआ वो है कि खानवादा तथीर का खालिक अल्लाह, बानियान मजलिस जो मुझे हकीकी भाइयों की तरह अजीज हैं और भाई हैं, खालिक इनकी इस काविश को बारगाह मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। जो मोमिनीन व मोमिनात इस मजलिस अज़ा में शरीक हैं, खालिक उन सब की दिली हाजात को पूरा फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। खसूसन मेरी वालदा बीमार हैं, हुसैन की माँ के सदक़े में खालिक मेरी माँ को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जो जो दामन मुराद में जो जो आरज़ू लेकर आए हो, मैं इज्तमाई दुआ मांगता हूँ मेरे साथ मिल के आमीन कहना। खालिक घर वो दे जिसमें हुसैन की मजलिस हो, रिस्क वो दे जिससे हुसैन का लंगर जारी हो सके, औलाद वो दे जो हुसैन का मातम करे। अब जिसका प्रोग्राम बन गया है कि मैं बगैर तमहीद के पहली रुबाई पढ़ूं, उससे गुजारिश है कि सर नहीं हिलाना। मैं देख रहा हूं, मैं दुआ मंगवा रहा था, आपके सर हिल रहे थे। जो जबान अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए नहीं हिलती वो कब्र में कैसे हिलेगी। हाँ, कोशिश किया करो जिक्र हुसैन में सर ना हिले, जबान हिले। सर वजनी है, बार बार हिलाओ तो सर में दर्द हो जाता है। जबान हल्की है, जो जबान जिक्र हुसैन में हिले वो कब्र में हिलती है, और जो कब्र में हिलती है वो मुनकर नकीर के ताजियानों से बच जाती है। कोशिश किया करो दर्स आले मोहम्मद में बोलने की, क्योंकि दामन वक्त में बड़ा महदूद सा वक्त मेरे पास है, प्रोग्राम तो कुछ और था, लेकिन मैं बगैर तमहीद के चार लाइनें पढ़ रहा हूँ। अगर आप बेदार हो गए तो मैं आपको एक नई नज़म सुनाऊंगा, और अगर आप ऐसे ही बैठे रहे जैसे आप बैठे हैं तो मेरी हाजिरी तो मुकम्मल हो गई। आपके बोलने से मेरी मजलिस बुलंद नहीं होगी, आपके दर्जात बुलंद होंगे।
हाँ जी ना, ये खौफ है कि आप बोलेंगे तो मजलिस कामयाब है, आप नहीं बोलेंगे तो मजलिस मद्दम है। ना मजलिस बड़ी होती है ना मजलिस छोटी होती है, मजलिस मजलिस होती है, और जिसे हुसैन की माँ इज्जत दे वो आपकी इज्जतों का मोहताज नहीं होता। मैं बगैर तमहीद के दो लाइनें पढ़ रहा हूँ। मिंबर हुसैन की कसम इतनी दाद दे चुका हूँ कि अब ये ख्वाहिश नहीं कि आप बोलें या ना बोलें। मेरा ईमान है कि इस मजलिस में मेरे मासूमीन मौजूद हैं, मेरे मालिक मौजूद हैं, मेरे वारिस मौजूद हैं, जिनके इज्न से मैं सांस लेता हूँ, वो आका यहाँ 14 की सूरत में मौजूद हैं, एक पर्दे में हैं और 13 मेरे सामने हैं। मैं सबक उन्हें सुनाऊंगा, मुझे रिस्क भी लेना है, मुझे औलाद भी लेनी है, मुझे माल भी लेना है, मुझे इज्जत भी लेनी है। अब जिसका प्रोग्राम है कि वो मेरे साथ इन तमाम चीज़ों में शेयर करे, वो अपनी अपनी हैसियत को बुलंद करने के लिए मेरे साथ बोलेगा, ना बोले तो उसकी अपनी मर्जी है। मैं पहली लाइन पढ़ रहा हूँ और यकीन के साथ के उकाड़े में कोई लफ्ज आया ही नहीं होता। खुदा के घर से यही इनकशाफ होना था। पूरी तवज्जो, जिसे बात समझ में आए वो मेरे साथ बोले, समझ में ना आए ऊपर से गुजर जाए, मेरी अपनी किस्मत आपका अपना नसीब। खुदा के घर से यही इनकशाफ होना था, अली ना होते तो किसका तवाफ होना था। शाबाश शाबाश शाबाश, मालिक जिंदगी दराज करे। वो हाथ हमेशा बुलंद रहे जो आले मोहम्मद के जिक्र में बुलंद होते हैं। खुदा के घर से यही इंकशाफ होना था, अली ना होते तो किसका तवाफ होना था। कुछ इस नियाज से झूले से मस हुआ फितरस। हुसैन का वास्ता थोड़ा सा जाग जाओ, थोड़ा सा जाग जाओ। कुछ इस नियाज से झूले से मस हुआ फितरस, कसूर कैसा भी होता मुआफ होना था। शाबाश सलामत रहो मिलके सारे। अरे मैं मुस्कुराऊंगा, बस इतना ही बोलना आपके लिए काफी है। मुझे तो ये ख्वाहिश नहीं है कि आपके बाद में गाड़ियां भर लूं, वो पहले से भरी हुई है। हुसैन की माँ ने जो रिस्क है वो लिखा हुआ है। खुदा के घर से यही इंकशाफ होना था, अली ना होते तो किसका तवाफ होना था। कुछ इस नियाज से झूले से मस्त हुआ फितरस, कसूर कैसा भी होता मुआफ होना था। जरा सा शिकमे गरामी में मुस्कुराए अली। अल्लाह करे मैं समझा जाऊं, अल्लाह करे मैं समझा जाऊं। जरा सा शिकमे गरामी में मुस्कुराए अली, जबीने काबा में फिर तो शिगाफ होना था। शाबाश, जबीने काबा में फिर तो शिगाफ होना था। और या अली, मैं हम मकरूज नहीं है, तेरी तौहीद मकरूज है, तेरी नबूवत मकरूज है, तेरी इमामत मकरूज है, कायनात तेरी मकरूज है। या अली बादशाह, एक तू ना होता, एक तू ना होता कायनात में होता क्या, जागरा में ऐसा एक तू ना होता कायनात में होता क्या। जरा सा शिकमे गरामी में मुस्कुराए अली, जबीने काबा में फिर तो शिगाफ होना था। तेरे वजूद ने काबे को बंदगी बख्शी, वगरना ईंटों पे काला गिला होना था। आवाज रहो आवाज। हम शियाने हैं, चूंकि बाजार में मजलिस है, बारगाह में हो या चार दीवारी में, उसमें आप चुप कर जाएं तो चुप बर्दाश्त होती है। बाजार में बैठ के अली का जिक्र हो और बहलोल मिजाज दीवाने बैठे हो, फिर चुप जेब नहीं देती। हम शियाने हैदर करार पर बहुत जल्दी कर रहा हूं और बहुत तेजी से बात मुकम्मल करूंगा। हम शियाने हैदर करार पर यह इल्जाम है कि हम जिक्र अली तो करते हैं, जिक्र मोहम्मद नहीं करते। तासुब की आनत उतार के कभी देख सही, जैसा जिक्र हम करते हैं मोहम्मद का तुम्हारी सोच में नहीं आ सकता। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें पता ही नहीं मोहम्मद है क्या। सहाबा का मजमा है, पूरी जिम्मेदारी मस्जिद नबी है, सहाबा का मजमा है। नहीं ऐसे भी नहीं, अपने अंदाज़ में पढ़ता हूँ। शम्माए नबूवत जल रही है, परवाने तवाफ कर रहे हैं। एक परवाना जिसकी सोच महदूद थी और खुद भी महदूद था,
हाँ, जो वसी दिमाग के परवाने हो या बुलंद हो, उनका जहर भी बुलंद होता है, सोच भी बुलंद होती है। एक महदूद सोच का परवाना उठा, शम्मा नबूवत का तवाफ काबा समझ के किया, आवाज़ अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, आप मोहम्मद की हमारे दरमियान हैसियत क्या है? मुझे दो मिनट की तमहीन और कसम पढ़ने लगा हूँ, नात पढ़ने लगा हूँ, आज तक मुझसे कसीदे सुने हैं, आज नात सुन लेना। अल्लाह के रसूल, आप मोहम्मद की हमारे दरमियान हैसियत क्या है? रसूल ने फरमाया, अना शम्सुन, ना मैं तेरी चुप के सदके हो गया, हाँ ऐसे से अना, इसका एक कुछ शम्सुन, मैं सूरज हूँ, और शादी ये नहीं कहा मैं सूरज हूँ, फौरन कहा अना शम्सुन व अंता कमरों का या अली, मैं सूरज हूँ, अली मेरा चांद। अब ये तोहमत बेबुनियाद हो जाती है, हम जिक्र हैदर तो करते हैं, हम जिक्र अली तो करते हैं, जिक्र रिसालत नहीं करते, जिक्र मोहम्मद नहीं करते। भाई किसमें जुर्रत है सूरज की आंखों में आंखें डाले, और कभी गलती से सूरज की आंखों में आंखें डालना भी ना, तुम्हारी आंखें ना फोड़ डाले तो सूरज किसने कहा? दस्तूर जमाना है जब सूरज हो डाकू छुप जाते हैं, लुटेरे छुप जाते हैं, गासिब छुप जाते हैं, क्राइम करने वाले छुप जाते हैं, क्राइम्स को छुपाने वाले छुप जाते हैं। जब तक सूरज रहे अमन रहता है, अमान रहता है, अमन रहता है, अमान रहता है। लेकिन जैसे सूरज गरूब हो और चांद निकले, तारीफ पढ़ लो, जैसे सूरज गरूब हो और चांद निकले, डाकू भी निकलेंगे, चोर भी निकलेंगे, गासिब भी निकलेंगे, और तो और बाग को चर जाने वाले भी निकलेंगे, बाज को बेच खाने वाले भी निकलेंगे। हाँ जी, अच्छा ये जो फरमाया मैं सूरज हूँ, अली मेरा चांद है, अब मुझे ईमान से बताओ कभी जो चांद देखते हो किस सिम्त में देखते हो? बोलो ना मेरे साथ, परेशान क्यों हो गए? चांद जो देखते हो किस तरफ होता है? सरकार का जब आप चांद देखते हैं, ईद का चांद देखें, मोहर्रम का चांद देखें, ज़िलहज का चांद देखें, किधर मुंह होता है? जहां सूरज डूब रहा होता है हम सारे दूर बिने लेके खड़े होते हैं, क्यों? जब देखने में चारों सिमतें एक जैसी हैं, फिर एक खास सिमत क्यों देखते हैं? इसलिए कि जहां सूरज डूबा वही चांद उभरा, जहां सूरज डूबा वही चांद उभरा, बल्कि युग ना कह दूं रिसालत का डूबता हुआ सूरज इमामत के उभरते हुए चांद को हाथों में लेके ऐलान करता है, याद रखो जिस जिस का मैं मौला और सस का ये अली मौला। नारे हैदरी, अली मदद हक है। साहबी ने फिर हाथ बांधे जहीन साहबी का, किबला आप सूरज हैं, अली चांद है, हम क्या है? सरकार ने फरमाया मेरे असहाब सितारों की माने थे, मैंने इतना ही बड़ा किताब बंद की, दो अहबाब आ गए, चूंकि शायर हूँ, आवारगी मिजाज का हिस्सा है, सारे दिन दोस्तों में गुजारा, रात के घर में आया, गर्मी का मौसम था, छत पे चला गया, बिस्तर पे लेटा, सरहाने पे सर रखा, चेहरा आसमान की जानिब हुआ, सितारों भरी रात थी, सितारों को देखा, मुझे रसूल का फरमान याद आ गया, मेरे मैं चांद, मैं सूरज हूँ, अली मेरा चांद है, मेरे असहाब सितारों की मानद हैं, मैंने सितारों को देखा, बेशुमार सितारे थे, सितारे बेशुमार। भाई किसी के पास है तो कंप्यूटर जो सितारों की गिनती करके बतलाए कि ये कितने हैं? सितारे भी बेशुमार, मेरा अकीदा भी बेशुमार, मैंने देखा सितारे हैं, मैं कायनात के हकीम ने कहा है, इसमें हिकमत होगी कि साहब सितारों की मानद हैं, मैंने देखा कोई सितारा कम रोशनी का, कोई सितारा ज्यादा रोशनी का, कोई सितारा यहाँ था, कोई सितारा वहां था, मुझे तो आसमान के मैदान में कुछ सितारे भागते भी नजर आए। हाय हाय हाय, 8 बजे यहाँ थे, 10 बजे वहां थे, 12 बजे थे ही नहीं, मैं एक एक सितारे को देखता रहा, मुझे एक एक बंदा याद आता रहा, मैं देखता रहा, ये बेशुमार सितारों में एक सितारा ऐसा था जो सबसे ज्यादा रोशन था, सबसे ज्यादा चमकदार था, अपनी जगह पे कायम था, मैंने कहा ये सितारा कौन सा सितारा है जिसके गिर्द बाकी सितारे तवाफ कर रहे हैं, मैं दौड़ता हुआ लाइब्रेरी में आया, किताब निकाली, मैंने नजूम की सफ़ों को टटोला, उस सितारे का हाल निकाला, किताब ने बतलाया इस सितारे को कुतुब कहते हैं, मैंने
बनाने का ये करता क्या है। कहा भटके हुओं को मंजिलों पे लाता है, भूले हुओं को रास्ता दिखलाता है। ये सितारा वो सितारा है कि जिसके दर पे आके भटके हुए सितारे ये कहते हैं कि ऐ कुतुब तेरी रहनुमाई ना होती तो हम हलाक हो जाते। मध्यम नारा मैं सुनता ही नहीं हूँ, याद नारा बहुत बुलंद, ये नारा बैंक में रखवाए 5 साल के बाद डबल होके बाहर आएगा। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। अभी एक जज्बाती सी रुबाई पढ़ूंगा, जैसे आजकल रूटीन चली हुई है कि जज्बाती रुबाइयां पढ़ो, आप चले जाए फिर बानी जाने, इंतजामिया जाने, परेशानियां जाने। मैं चूंकि कौम का जिम्मेदार फर्द हूँ, जिम्मेदारी से गुफ्तगू करने का आदी हूँ। रसूल ने कहा मैं सूरज हूँ, अली चांद है, असाब सितारे हैं। मैंने इतनी बात पढ़ी, मैंने कलम उठाया, पहली लाइन लिखी, लाइन थी क्या कि फिर लेके तेरा नाम उभरते हैं सितारे। अब जिसे मेरी बात समझ में आए और ना बोले उसकी अपनी मर्जी, बात नहीं हो इससे पहले सुनी ना हो, थिंक नहीं हो तो मेरे साथ बोलना, फिर लेके तेरा नाम उभरते हैं सितारे, रुख करके मदीने का निकलते हैं सितारे। आबाद रहो आबाद रहो। फिर लेके तेरा नाम उभरते हैं सितारे, रुख करके मदीने का निकलते हैं सितारे। हर शब को निकलता हूँ सुबह रोजाए सरकार, उस वक्त मेरे साथ ही चलते हैं सितारे, उस वक्त मेरे साथ ही चलते हैं सितारे। है गर्दिशे अय्याम का दस्तूर अजल से। अब मैं देखता हूँ कितने ज़हीर हूँ, मुझे एक लाइन में तबर्रा भी करना है, तबल्ला भी करना है। है गर्दिशे अय्याम का दस्तूर अजल से, छुप जाता है सूरज तो निकलते हैं सितारे। हाय हाय, छुप जाता है सूरज तो निकलते हैं सितारे। जो कर नहीं पाए थे तवाफे दरे जहरा। किस दर पे उतरना है सितारे को पता है। जो हमने मिश्रा का किसी ने कहा जनाब ये क्या बात हुई, सितारे को अगर पता था इतनी देर चक्कर क्यों लगाता रहा। वो तो बतूल ने दुआ मांगी, रसूल की बेटी थी उसने दुआ मांगी, खालिद ने कबूल कर दी, सितारा बतूल के दहलीज पे आ गया। भाई सितारा भेजने वाला भी जाहिल नहीं था, आने वाला भी जाहिल नहीं था, सितारा तवाफ सिर्फ इसलिए कर रहा था कि किस दर पे उतरना है सितारे को पता है, लोगों को जलाने के लिए घूम रहा है। बस मैं अपने मियार से नीचे आके कुछ गुरंग हो रही हूँ। अभी मैं हलाल ज्यादा हराम ज्यादा की किरदार करूँ, आप मेरे साथ प्रवास कर जाएं। मुझे नहीं पता कौन हलाल ज्यादा है कौन हराम ज्यादा है, मैं तो इतना जानता हूँ जो अली का नारा लगाता है वो यकीनन हलाल ज्यादा है। हाँ बस इतनी सी बात है। जो कर नहीं पाए थे तवाफे दरे ज़हरा, अब तक कफे अफसोस वो मलते हैं सितारे, और तारीख के औराक जरा पढ़ के वो देखें, तारीख के औराक जरा पढ़ के वो देखें। कहते हैं जो किस्मत को बदलते हैं सितारे, और फिजा की वो जारू कशी देखे तो कोई, जर्रात से इफलाक के ढलते हैं सितारे। मैं आले मोहम्मद की सना करता हूँ जिस दम, लगता है बड़े गौर से सुनते हैं सितारे। आबाद लगता है बड़े गौर से सुनते हैं सितारे, हो आते हैं, अल्लाह करे मैं समझा जाऊं, बहुत अजीबाना और बहुत बारीक बात है, हो आते हैं जिस रोज दरे आले नबी पर, हो आते हैं जिस रोज दरे आले नबी पर, इतरा के बड़ी नाज से चलते हैं सितारे, इतरा के बड़े नाज से चलते हैं सितारे। मनहूस कहा जाता है तकवीम में जिनको, कहता हूँ मैं सच वो मुझे चुभते हैं सितारे, और मिलती है सितारों को चमक आपके दर से, मिलती है सितारों को चमक आपके दर से। सरकार के टुकड़ों पे ही पलते हैं सितारे, सरकार के टुकड़ों पे ही पलते हैं सितारे। घर टूट के गिरने का कभी आता है लम्हा, बस खत्म कर रहा हूँ, घर टूट के गिरने का कभी आता है लम्हा, तो नामे अली लेके सिफलते हैं सितारे। आबाद रहो।
बस एक रुपाई और पढ़ने लगा हूँ, देखो अब चुप कौन करता है। अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। चुप करने का, चुप रहने की कोशिश करना। अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना बोलो जिसका कीदा बोले बनाना। मुझे आवाज नहीं आई, बनाना। जिंदगी दरा, जिंदगी दरा। शाबाश शाबाश अली बनना। हाँ अली बनना बहुत मुश्किल, मिलके नारा है अली। जिंदगी अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। मैं तारीख में पढ़ा, 12 साल एक इबादत गुजारता पानी में खड़ा रहा। अल्लाह की आवाज आई, चाहता क्या है, आवाज आई अली बना। अल्लाह कहता है अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। फिर 12 साल पानी में, फिर अल्लाह की आवाज आई, क्या चाहता है, कहा अली बना। आवाज आई अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। फिर 12 साल पानी में, आवाज आई, क्या चाहता है, आवाज आई अली बना। आवाज आई अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। 36 साल इबादत करता रहा, अली बनने की जिद करता रहा। मैंने इबादत का मेयार देखा, अल्लाह का इनकार देखा। हाँ हाँ, मैंने इबादत का मेयार देखा, अल्लाह का इनकार देखा। शायर हूँ, आलम तखय्युर में सफर किया। मैं अल्लाह के पहले नबी आदम के पास पहुंचा। मैंने कहा या आदम मेरा सलाम, आवाज क्यों आया है। मैंने कहा सवाल लाया हूँ। कहा सवाल कर। मैंने कहा कोई अली बनता है, कोई अली बनता है। बहुत देर सोचने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उस अली के बारे में पूछने आया है जिसने मुझे माफी दिलाई थी। अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। मैं नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, आप नजी अल्लाह है, आप फरमाइए कोई अली बनता है। आवाज आई उस अली के बारे में पूछने आया है जिसने मेरी कश्ती बचाई थी। अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। मैं याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, आप बताइए कोई अली बनता है। आवाज आई उस अली के बारे में पूछने आया है जिसने मुझे यूसुफ से मिलाया था। अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। मैं यूसुफ के पास पहुंचा, आप भी अल्लाह के नबी हैं, आप फरमाइए कोई अली बनता है। आवाज आई उस अली के बारे में पूछने आया है जिसने मुझे कुएं से उठाया था। अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। मैं इब्राहिम के पास पहुंचा, आप भी अल्लाह के नबी हैं, आप फरमाइए कोई अली बनता है। आवाज उस अली के बारे में पूछने आया है जिसने मुझे आपको गुलजार बनाने का नुस्खा बतलाया था। अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। मैं इस्माइल के पास पहुंचा, आप फरमाइए कोई अली बनता है। आवाज उस अली के बारे में पूछने आया है जिसने मुझे छुरी के नीचे से बचाया था। अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, आप फरमाइए कोई अली बनता है। आवाज आई उस अली के बारे में पूछने आया है जिसने जलवाए कोह तूर दिखलाया था। अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। जैसे मर्जी सुनो यार, मैं ईसा के पास पहुंचा, कोई और अली बनता है। आवाज आई उस अली के बारे में पूछने आया है जिसने मुझे सलीब से उठाया था। अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। मैं सरदार लंबिया मोहम्मद मुस्तफा के पास पहुंचा, आप भी अल्लाह के नबी हैं, आप फरमाइए कोई अली बनता है। मोहम्मद मुस्तफा की आवाज आई, मैं तो इतना जानता हूं ये अली ना होता अल्लाह दोज़ख को तखलीक ना करता। अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना शाबाश 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 शाबाश। अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। अंबिया खत्म हुए, मैं मुसलमानों के पहले खलीफा। अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंचा, आप मुसलमानों के पहले बादशाह हैं, आप फरमाइए कोई अली बनता है। बहुत देर सोचने के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा ने कहा, उस अली के बारे में पूछने आया है जिसके दस्तखत के बगैर कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता। अली बनाना और भी मुश्किल। मैं मुसलमानों के दूसरे खलीफा के बारे में पहुंचा, मैंने कहा सरकार कोई अली बनता है। आवाज उस अली के बारे में पूछने आया है जो ना होता मैं कई बार हलाक हो जाता। अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। मैं मुसलमानों के तीसरे खलीफा के पास पहुंचा, आप सरकार गनी है, आप फरमाइए कोई अली बनता है। आवाज जिसकी सखावत को देख कर मैंने गनी होने का लकब अपनाया है, उस अली के बारे में पूछने आया है। अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। चूंकि आजकल लाहौर में रहता हूँ, दादा साहब मुझसे 10 मिनट की वॉक पर है। मैं अपने घर से निकला, दादा साहब के पास पहुंचा, मैंने कहा सलाम अलैकुम ये दादा साहब, या अली मदद। आवाज आई अलैकुम सलाम, अल्लाह अली की मदद। पीर भाई कैसे आया है, नारे हैदरी,
दाता साहब सवाल लाया हूँ। आवाजें सारे दाता कहे, तू तो दाता ना कह। मैं क्यों, आप दाता नहीं है? कहा मैं इनके लिए दाता हूँ, तू दाता ना कह, इसलिए कि तू भी उसी दहलीज का नौकर है जहाँ मैंने अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाया है, जहाँ तू तो जानता है कि पस्ती से बुलंदी का तो नाता नहीं। जागना जागना जागना, जो चुप कर जाए अल्लाह करे कभी ना बोले। आवाजें, तू तो जानता है कि पस्ती से बुलंदी का तो नाता नहीं होता, खुद मांगने वाला कभी दाता नहीं होता। आखिरी आदमी तक नारा है दारी, पस्ती से बुलंदी का तो नाता नहीं होता, खुद मांगने वाला कभी दाता नहीं होता। समझे भी तो क्या समझेगा कम ज़र्फ अली को, कतरे से समंदर का अहाता नहीं होता। दाता साहब की आवाज है, अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। मैं चूंकि शहबाज हूँ, परवास का आदी हूँ, मैंने वहां से परवास किया, मैं बाबा फरीद के पास सलवात बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। अच्छा, बुलंद आवाज से आहिस्ता से सलवात पढ़ो। सलवात बुलंद आवाज से पढ़ लो। मैं बाबा फरीद के पास गया, सरकार आप फरमाइए कोई अली बनता है? आवाज है जिम्मेदार के घर से है या एहसान के घर से? मैं कहा जिम्मेदार के घर से हूँ। कहा गंदुम तेरी अपनी होती है? मैंने कहा हाँ गंदुम मेरी अपनी होती है। कहा तू मजारों में तकसीम करता है? मैंने कहा हाँ मैं मजारों में तकसीम करता हूँ। कहा तेरे कामी तेरे कमी कहलाते हैं? मैंने कहा हाँ मेरे कामी मेरे कमी कहलाते हैं। कहा बस यही फर्क मुझ में और अली में है, मैं भी वली हूँ वो भी वली है, लेकिन वो वलायत देने वाला है, हम कमी बन के लेने वाले हैं। देने वाला है, हम कमी बन के लेने वाले हैं। अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। मैंने पाक पतन से परवास की, मुल्तान में चला गया, शाह शम्स बादशाह के कदमों पे सजदा किया। मैं कहा शाह शम्स बादशाह सैयद भी हूँ, हुसैन का जाकिर भी हूँ, अली का दीवाना भी हूँ, एक सवाल लेके आया हूँ, मुझे बतला कायनात में कोई और अली बन सकता है? आवाज आई उस अली के बारे में पूछने आया है जिसका नाम लेके मैं शम्स ने अल्लाह के शम्स को जमीन में बुलाया था। अली बनना बहुत मुश्किल, बिखरा हुआ नारा नहीं किबला। मैंने हाथ बांध के अर्ज की, नारों से मेयार बुलंद नहीं होता, दिल चाहे तो बहुत बड़ा नारा वरना कोई नारा नहीं। नवीद भाई को मैं इंतजार कराऊंगा, मुझे बहुत प्यार है भाई से, मैं खुद सुनूंगा भाई को। अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल, चूंकि उस शरीफ वाले की औलाद हूँ। मैंने मुल्तान से प्रवास की, दादा के पास चला गया, दादा सही मेरा सलाम, आवाज़ ये अलैकुम सलाम। मैं कहा दादा सही लाहौर से सफर करता आ रहा हूँ, परेशानी बढ़ती जा रही है, सवाल मेरे अंदर है जवाब मिलता नहीं है। आवाज़ इस सवाल क्या है? मैं कहा सवाल यही है, इस कायनात में अली के अलावा कोई अली बन सकता है? आवाज़ इस शर्म नहीं आती, औलाद मुझ कमी की है, सोचता अली को है। हाय 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 हाय, मुझे उस शरीफ से जाल दिन सरखोश की आवाज आई, औलाद मुझ कमी की है, सोचता अली को है। अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। मैंने उस शरीफ से परवास की, लाल बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। मैं सखी बादशाह सवाल लाया हूँ, कायनात में कोई और अली बनता है? आवाज आई जिसकी गली का कुत्ता कहला के मैं कलंदर बना हूँ, उस अली के बारे में पूछने आया। आवाज अजीब आदमी है, इतना सफर कराया है, मैं अभी तक बेटे को सोच रहा हूँ, तू बाप के बारे में पूछने आ गया। मैं अभी बेटे को सोच रहा हूं, तू बाप के बारे में पूछने आ गया। अली बनना बहुत मुश्किल।
मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। मैंने सभा से पूछा मुश्किल, हवा से पूछा मुश्किल, खला से पूछा मुश्किल, जमाने से पूछा मुश्किल, रकू से पूछा मुश्किल, कयाम से पूछा मुश्किल, कऊद से पूछा मुश्किल, सजूद से पूछा मुश्किल, नमाज से पूछा मुश्किल, रोजे से पूछा मुश्किल, अता से पूछा मुश्किल, हया से पूछा मुश्किल, वफा से पूछा मुश्किल, वफा के शुजात शुजात से पूछा मुश्किल, अतात से पूछा मुश्किल, शरीयत से पूछा मुश्किल, हर तरफ से मुश्किल मुश्किल की आवाज आई। मैंने किबरिया की तरफ देखा, अल्लाह के सामने हाथ बांधे, मैंने अल्लाह से सवाल किया, क़िबला तू खालिक है, तू बतला कोई अली बनता है, कोई अली बनता है, जागना मेरे साथ कोई अली बनता है। अल्लाह की आवाज आई, अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। जब अल्लाह ने कहा और भी मुश्किल, मैंने अल्लाह को देखा, तू अल्लाह नहीं है, कहा मैं अल्लाह हूँ। तूने अली नहीं बनाया, कहा मैंने अली बनाया है, खालिक एक अली और तू नहीं बनता। आवाज आई शहबाज नकवी, मुझे अल्लाह की मजबूरी है। मैंने कहा खालिक कौन सी मजबूरी है, कौन सी मजबूरी है। अल्लाह की आवाज आई, अली बनना बहुत मुश्किल, बनाना और भी मुश्किल। नई ज़हरा, नया काबा, नया अहमद नहीं बनता। अली वो शख्स है जिसको नुसहरी है खुदा कहते, मियाँ अल्लाह मियाँ से रोज रोज अल्लाह नहीं बनता। आबाद रहो, आबाद रहो, आबाद रहो। जब कभी करवट बदलती थी तो दुख जाते थे कान। शाबाश, पता नहीं किस मोमिन के दाएं बाएं मेरा बीमार मौला सज्जाद आया बैठा हो। ओ मेरी माँ बहनों बेटियों, मालिक तुम्हारी चादरें सलामत रखे। पता नहीं किस माँ बहन बेटी के दाएं बाएं वो बीबी आई बैठी हो जिसका नाम रबाब है। मुझे गुर्बत हुसैन की कसम, जब शाब की कैद निभा के आई ना बीबी रबाब, हर बीबी छांव में बैठी ठंडा पानी पिया। इस बीबी ने ना कभी ठंडा पानी पिया, ना कभी छांव में बैठी, धूप में बैठ जाती थी, दो कब्रें बना लेती थी, एक बिरखती कब्रे असगर, एक बिरखती कब्रे सकीना। कभी यहाँ बैठ के असगर का मातम करती, कभी वहाँ बैठ के सकीना का मातम करती। मुझे दो सत्रों का हुक्म है, मैं पढ़ने लगा हूँ, मुझे नहीं मालूम सकीना का शब्बीर से प्यार क्या था। अल्लाह जाने करबला में इस 3 साल की मासूमा के साथ क्या हुआ कि मीर अनीस ने कलम उठा के बेसाख्ता तड़प के 2 लाइनें लिखी कि जब कभी करवट बदलती थी तो दुख जाते थे कान, जितने दिन जिंदा रही सोने से घबराती रही। मैंने कह दिया, तूने सुन लिया। मुझे नहीं पता किस अंदाज में तमाचे लगे, मुझे नहीं पता किस अंदाज में रस्सियां पहनी, नहीं पता किस अंदाज में करबला से चली, नहीं पता किस अंदाज में बाजार में आई, नहीं पता किस अंदाज में दरबार में पहुंची। इतना सुन लो, दरबार यजीद है, एक रस्सी में 18 गले हैं। हम माद अहले बैत उस्ताद मोहतरम पढ़ा करते थे, तरतीब इस तरह से थी कि सबसे आगे फिजा थी, फिजा की पोस्ट पे बीबी जैनब थी, जैनब की पोस्ट पे कलसूम थी, कलसूम की पोस्ट पे रुकैया थी, रुकैया की पोस्ट पे लैला थी, लैला की पोस्ट पे रबाब थी, सबसे आगे बीबी फिजा थी, सबसे आखिर में 3 साल की सकीना थी। एक रस्सी में पता नहीं क्या सुन के मातम करोगे, एक रस्सी में 18 गले थे, अल्लाह जाने 17 बीबियों की मजबूरी क्या थी। हर बीबी रखू की हालत में खड़ी थी, और जब कोई सीधा होना चाहती सकीना की चीख निकल जाती और रो के कहती, फूफी अम्मा अपनी कमर को सीधा ना करना, मेरे पांव जमीन छोड़ते हैं। सारी रात दरबार यजीद में जालिम शराब पीता रहा, आले मोहम्मद बंधे हाथों के साथ खड़े रहे। करीब सुबह एक सफीर बैठा हुआ था जो सारी रात कैदियों की कतार को देखता रहा। यजीद से कहते, सारी रात हो गई मुझे देखते हुए, अल्लाह जाने इन बीबियों का कोई जुर्म है या नहीं है, लेकिन इसमें 3 साल की एक बच्ची है जिसका जुर्म कोई नहीं हो सकता। मैं देख रहा हूँ रात में कई बार उसने अपने आप को थक के गिराने की कोशिश की है, लेकिन रस्सी इतनी तंग है उसे गिरने नहीं देती। यजीद ने मुंह किया शिमल की जानेब, शिमल वो बच्ची कौन
है। शिमर कहता है सकीना बिनतुल हुसैन। यजीद कहता है मेरे सामने पेश कर मुझे मिंबर की कसम, अलम मुबारक की कसम, मैं सकीना की गुरबत का मातम ना करता अगर जालिम सकीना के गले से रस्सी खोल देता। शिमर ने खंजर उठाया, सकीना के करीब आया, एक सिरा सकीना के गले में है, दूसरा सिरा अगली बीबी से मुंसलिक है। जालिम ने खंजर से अगला सिरा काटा, रस्सी को हाथ में बल दिया, सकीना को खींचना शुरू किया और रस्सी का खिंचना था, सकीना की गर्दन ने दबना शुरू किया और दरबारे यजीद में तख्ते यजीद तक आते आते और सकीना कई बार गिरी, कई बार उठी, बेजबानी की जबान में सज्जाद से कहती है सज्जाद अब मेरे इम्तहान की मंजिल देखना। यजीद के सामने पेश किया गया, यजीद कहते बच्ची तेरा नाम क्या है? तारीख में लिखा है लब हिले आवाज ना आई। यजीद फिर पूछता है बच्ची तेरा नाम क्या है? मासूमा के लब हिले आवाज ना आई। जब तीन बार यजीद ने पूछा और सकीना की आवाज ना आई, यजीद कहता है शिमर मैं सवाल करता हूँ ये जवाब नहीं देती, इस पर जुल्म कर। शिमर ने ताजियाना उठाया या भेड़ियों की छनकार गूंजी, बीमार करबला की आवाज है जालिम जुल्म न करना। और मेरी बहन जवाब देती है पर रस्सी इतनी तंग है सकीना की आवाज बाहर नहीं आती। शिमर कहता है मैं ढीली करता हूँ, आवाजें हमारी नामूस है, गैरत से मर जाएगी, इसे हाथ ना लगाना, मेरे हाथ खोल, मेरे हाथ खोल। जालिम ने सज्जाद के हाथ खोले, सज्जाद ने सकीना की रस्सी खोली, सकीना ने शुक्रिया के अंदाज में सज्जाद को देखा। सज्जाद कहते यजीद अब सवाल कर मेरी बहन जवाब देगी। यजीद कहते तेरा नाम क्या है? सकीना की आवाज है सकीना बिनतुल हुसैन। यजीद कहता मैंने सुना है तेरा बाप तुझसे बहुत प्यार करता था, आवाज जैसा प्यार मेरा बाप करता था ऐसा बार प्यार कायनात में कोई बाप नहीं करता। यजीद कहता किस अंदाज का प्यार, आवाज़ें हर रोज सुबह के वक्त फजर की नमाज के बाद मुझे मुसल्ले पे बिठाता था, अपनी आगोश में बिठा के मुझे अरब के ताजे खुरमे खिलाता था। और खुरमों का लफ्ज आया, यजीद कहता है अब भी खुरमे खाएगी। सकीना ने सज्जाद को देखा, सज्जाद ने असबात में गर्दन हिलाई, इमामत के इशारे समझने वाली सकीना रोके कहती है हाँ खाऊंगी। यजीद ने इशारा किया, एक तश्त लाया गया, तश्त पे रुमाल ढका हुआ था, यजीद के तख्त तीसरी सीढ़ी पर रखा गया। आवाज आई बच्ची आ गया, जिनके सीने में पत्थर नहीं है आखिरी लाश को मैं देखता हूँ तेरी आंखें वजू कैसे नहीं करती। आवाज आई बच्ची आ गया, खुरमे खा। कांपती हुई सकीना आगे बढ़ी, एक मर्तबा कांपते हुए अंदाज में तो तश्त से कपड़े को हटाया, अल्लाह जाने तश्त में क्या नजर आया। सकीना की चीख निकली, आवाज आई बाबा तू कहाँ था, बाबा तेरे बाद मैं गरीब हो गई, बाबा तेरे बाद मुझे तमाचे मारे गए, ओ बाबा मेरे कान जख्मी है, बाबा शाम के रौसा की बेटियां रेशम के बिस्तरों पे सोती है, बाबा मैं रस्सियों के साथ कभी पत्थर के सरहाने पर कभी ईंट के सरहाने पर, ओ हुसैन के लब हिले आवाज सकीना इम्तहान की।